अध्यात्म में छात्रों, आज हम जो राजनीति शास्त्र में अध्याय 10 विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार देश का विकास होता है और विकसित कैसे होता है और विकासशील, तीनों शब्दों की यहाँ अर्थ आपको बताएंगे कि विकास क्या है। जैसे ही हमारा देश आजाद होता है तो हम देखते हैं कि उनके सामने विकसित होने की, विकास की बहुत सारी समस्याएं होती है, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है जो देश को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो विकास पद की व्याख्या, मतलब विकास का अर्थ पढ़ना है और विकास के लिए कई विद्वानों ने मॉडल बनाए कि हमको किस चिन्हों पर चलकर अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना है और जो वैकल्पिक मॉडल बने हुए हैं उन पर चर्चा करना है। तो जो विकास है समय के अनुसार क्या होता है कि देश में हर क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन होता है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में संघर्ष करते हुए। तो जो भी परिवर्तन समाज, देश और विश्व में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं जो हमें क्या बनाते हैं, दोनों को, देश को, प्रकृति को, मानव सब को बहुत बेहतर बनाते हैं और यही वास्तव में क्या कहलाता है, विकास। विकास का अर्थ हम यहाँ समझेंगे कि जब हमारे सारे काम जीविकोपार्जन से लेकर सारे काम अच्छी तरह से चलते रहते हैं तो वही क्या कहलाता है, विकास। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद 1950 के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों समाप्त होने की कगार पर आए, युद्ध कम होने लगे, तो उस समय ये विकास शब्द शुरू हुआ। तो जो विकसित देश से थे, विकसित मतलब जो पहले से बिल्कुल अच्छी तरह से संपन्न थे उन्हें हम क्या बोलेंगे, विकसित। और विकासशील मतलब जो विकास की ओर, मतलब प्रोसेस में है विकासशील, तो इनके बीच में बहुत अंतर हुआ। और जो विकासशील देश थे और उनमें और आगे विकास करने की क्या पड़ गई, दौड़ चली गई मतलब प्रेरित हुए आगे बढ़ने के लिए। तो सामाजिक क्षेत्र में वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, शास्त्रियों जो वैज्ञानिक थे उन सब ने क्या किया कि विकास होने के लिए उन्होंने उसको अलग अलग नाम से संबोधित किया। किसी ने कहा समाज का विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने भी विकास के बारे में बताया कि समाज के क्षेत्र में सामाजिक संरचना, सेवाएं, इस तरह से सारे क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, उन्होंने सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकास का क्रिया बताई और किस प्रकार देखते हैं ना, ऐसे अपन मानव में होता है आदि मानव से लेकर वर्तमान युग में जो मानव है तो किस प्रकार परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। ऐसे ही हम देश के बारे में सोचें तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा यह बताता है कि समाज के लिए समग्र रूप से उसकी दृष्टि क्या है और वो अच्छा क्या प्राप्त करना चाहता है। तो जो विकास का काम है वो कई लोग सोचते हैं कि हमने बांध बना लिए, उद्योग धंधे लगा लिए, अस्पताल जैसी क्रियाओं को पूरा कर लिया, वो तो ठीक है लेकिन उससे हमारे जीवन शैली में भी विकास होता है, जैसे घर, जमीन। ऐसा ना हो कि समाज के विकास के लिए हमें अपने घर, जमीन, इनका विकास होना हमारा संपूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। तो हम देखते हैं विकास की जो प्राथमिकताएं हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से दी गई हैं यहाँ पर है? तो इससे अच्छा विभिन्न देशों द्वारा विकास के कुछ मॉडल बनाए हैं, उन पर बहस भी हुई, आलोचना भी हुई। तो कुछ विकास के मॉडल आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है कि उसमें विकास को समग्रता में देखना, इस
मानव संसाधन का विकास और प्राकृतिक संसाधन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक नैतिक सभी विकास शामिल हों और जो पिछड़े वर्ग हैं गरीब हैं उनकी भी आवश्यकताओं और समस्याओं का क्या हो समाधान हो। तो जो विकास में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आज विकास हो गया तो हम बैठ गए, वो हर हर क्षण चलने वाली एक प्रक्रिया है और एक ऐसा बदलाव जो प्रकृति को मानव को समाज को एक बहुत अच्छे बेहतरीन मतलब अच्छे से अच्छा बनाता है। जो लुसिया पाई नामक विद्वान थे उन्होंने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लिखा है कि हम विकास को तीन रूपों में देख सकते हैं, समानता क्षमता और भिन्नता। इस प्रकार हम देखेंगे कि समानता मतलब प्रतियोगिता समान रूप से व्यवहार किया जाता है। तो जो विकास के उद्देश्य थे हमारे सामने वो था कि जीवन को एक आवश्यक सुविधा मिल जाए जिससे लोग अपना जीवन सुखी बना सके। विकास का उद्देश्य प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना ये लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रकृति का अत्यधिक दोहन करें मतलब प्रकृति के बारे में पढ़े। विकास का मुख्य लक्ष्य है कि बेरोजगारी से मुक्ति मिले। तो सरकार द्वारा जैसे भारत देश में रोजगार प्राप्ति के लिए अनेक अवसर भी मिल रहे हैं। विकास लोकतंत्र के विकास में भी सहायता करता है। कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य जिसमें सभी को उचित सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो ये थे हमारे विकास के प्रमुख उद्देश्य। अब है विकास की चुनौतियां, मतलब हमें किन किन समस्याओं को किन किन शर्तों का सामना करना पड़ता है। तो जो 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय बहुत से देशों ने अफ्रीका और एशिया की राजनीतिक आजादी हासिल की और अधिकतर देश लड़ाई में कुछ कंगाल भी बन गए थे, मतलब कंगाल मतलब उनका बहुत कुछ हो गया था, उनके स्तर था वो निम्न था, तो उनके पास सुविधाएं भी कम थी, शिक्षा चिकित्सा और अन्य सुविधाएं। तो इन्हें हम क्या बोलते थे, अविकसित या विकासशील कहा जाता था। और जबकि अमेरिका और यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जो बहुत विकसित थे। तो हम देखते हैं कि जब 1950 और 1960 में जब आजादी प्राप्त हुई कुछ अफ्रीका और एशिया के देशों को, तो उनके सामने बेरोजगारी निरक्षरता गरीबी ये सारी सुविधाएं का उनके पास क्या था, अभाव था। इन अभाव में उन्हें क्या करना था, अपने देश को क्या करना था, विकसित करना था, विकास की ओर बढ़ना था। तो जिससे कि वो पिछड़े पर और जो जिनका साम्राज्य था उनके जो था उनके जो क्या कहना चाहिए उनका जो अधिकार था उस समय जो नियंत्रण से बचना था। तो आरंभिक वर्षों में आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के मतलब लोगों का यह था कि जो विकसित देश है उनके स्तर तक हमें पहुंचना है। तो इस प्रकार जो हमारे देश की और राज्य सत्ता थी उन्हें बहुत सारी योजनाएं बनाई। विकास का जो मॉडल भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया तो ये कई मॉडल बनाए गए कि हमें इनके अनुसार प्रगति करना है। ये कुछ विकास के मॉडल आपके सामने हैं। तो विकास कोई एक ऐसा नहीं है कि एकदम से विकास हो जाएगा, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पर चार मॉडल के बारे में पढ़ना है। पहला है बाजार समाज मॉडल। बाजार मतलब है कि हम अपने में जो अर्थव्यवस्था वाला है बाजार के क्षेत्र में आगे बढ़ना और सामाजिक अर्थों में समानता के अवसरों को बढ़ाना है। और इस बाजार समाज मॉडल से विकासशील देशों में भौतिक समृद्धि में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। और लेकिन कभी कभी ये भी बोला गया कि उनकी नैतिक बल को क्या करते कमजोर। तो हमें साथ में नैतिकता को बनाए रखते हुए इस बाजार समाज मॉडल के भी कुछ अच्छे गुणों को हम देख सकते हैं।
दूसरा है कल्याणकारी राज्य मॉडल। ये जो कल्याणकारी राज्य मॉडल है, ये जो जहाँ पर कि साम्यवाद का पतन हुआ सोवियत संघ में, तो वहाँ का एक प्रमुख शक्ति बन गया था जो उदारवादी विचारक थे, तो उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों के अधिकारों की रक्षा की और उन्होंने संपत्ति के अधिकार पर भी क्या दिया, बल दिया कि मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिलना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो इसके कारण पर विकसित हो सकती है। और उन्होंने भूमि, फैक्ट्रियों, परिवहन, संचार, बैंकों सबका पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करने पर एक ना करने का जोर दिया, क्योंकि जो उदारवादी राज्य थे वो कल्याणकारी राज्यों का रूप ले चुके थे, तो उनका मतलब था कि समाज के बेरोजगार, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांग नागरिकों को हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते। एक आपने पढ़ा बाजार मॉडल था, जो दूसरा पढ़ा कल्याणकारी राज्य मॉडल, तीसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। ये हमारे देश में नहीं था, ये रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चीन, क्यूबा, इन देशों में यहाँ पर कि साम्यवादी रूस से संबंधित थे, वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। और इस समाजवादी मॉडल में क्या बताया गया, चार बातों पर वहाँ पर सहमति दी गई। पहला था वस्तुओं के उत्पादन, मतलब जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनका वितरण, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में ना होगा, राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए और सभी समाज के लोगों को इसका लाभ होना चाहिए। और उत्पादन की जो सीमा है उसका आधार लाभ प्राप्त करना ना होकर समाज की आवश्यकता, मतलब समाज की आवश्यकताओं पर जोर दिया। और जो उत्पादन होता है स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके निश्चित उत्पादन को स्थापित करना चाहिए। या आपने तीन मॉडल पढ़े, चौथा था गांधीवादी मॉडल। गांधी जी ने किसी विशिष्ट विकास मॉडल को प्रस्ताव नहीं दिया। गांधी जी आप जानते ही हैं, उन्होंने मानव मात्र के निर्देशन के लिए विचार दिए। गांधी जी ने राजनीति के साथ साथ नैतिकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा राजनीति नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन मात्र था। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के जो नकल थी वो भारतीयों को बचने से था। उनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है, मतलब लोग भौतिक साधनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं महंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि नैतिकता का ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है, तो उन्होंने आत्मनियंत्रण और त्याग जैसी भावनाओं का कर दिया, जोर दिया। और गांधी जी ने कहा कि मनुष्य भौतिक प्राणी नहीं है, अतः मनुष्य आत्मा का विकास करके उसे हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। और गांधी जी ने इस प्रकार दीनहीन और पिछड़े लोगों की सेवा करके अपना आदर्श माना। गांधी जी का धारणा थी कि मनुष्य के पास धन संपत्ति कम हो या ज्यादा हो, उसने समाज से प्राप्त की है तो उस पर समाज का भी अधिकार है, कमाने वाले का नहीं। संपत्ति रखने वाला तो समाज की संपत्ति का रखवाला, संरक्षक या न्यासी है। इस प्रकार गांधी जी ने दीन दुखी लोगों का ज्यादा उपकार करने पर जोर दिया। और बाजार अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित है, श्रम का सम्मान होना चाहिए, कोई भी अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण ना हो, और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों पर भी बल दिया ताकि समाज में सभी को रोजगार मिल सके। तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारतीय मॉडल अपनाया गया। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा बुरा है, हम किसी को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते। तो जैसे गांधीवादी मॉडल संसाधनों के अत्यधिक
दोहन पर रोक लगाने का सुझाव देते हैं और ये सभी जो मॉडल हैं निश्चित परिस्थितियों के साथ अच्छे ढंग से विकसित होते हैं और सभी मॉडल के अपने अपने अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल वह है जो जीवन मतलब लोगों को जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से प्राप्त करने में सहायता करता हो और विकासशील देशों को विकास के इन मॉडलों के अच्छे गुणों को चुनकर और भविष्य में ध्यान रखते हुए अपना विकास की ओर अपना रास्ता क्या करना चाहिए अग्रसर करना चाहिए ताकि हम विकसित देशों के समान हो सकें समय पर उन्नति कर